डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है अभी इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं पूरा देश, पूरा विश्व। और इस कारण से दीक्षा जुपिटर एकेडमी श्याम नगर जो है हम अपनी कोचिंग क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पढ़ा रहे हैं। मैं सुनील पाठक यहाँ पर नांदेड़ में 2012 से टीच कर रहे हैं। हमारी क्लास जो है 2012 से मैं यहाँ पर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और जो हम लोगों का क्लास है ये लक्ष्मण सर का दीक्षा जुपिटर एकेडमी श्याम नगर है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाए ताकि बच्चों का इसमें लॉस नहीं हो। सो हम लोग आज मैथ्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के बेसिक्स करेंगे। देखिए मैथ का जो बेसिक होता है मतलब क्या है इसका, सब लोग बोलते हैं फाउंडेशन करना है, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन करना या फिजिक्स का फाउंडेशन। व्हाट इज फाउंडेशन? सिंपल सी बात है कि ऐसे टॉपिक इसके अंदर लिए जाए जिसके हम डायरेक्टली यूज करते हैं JEE में। मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो JEE में जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको हम बेसिक कहते हैं कि जिसका सीधे सीधे यूज होता हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन छोटी छोटी बातें होती है जो हमें पता होना चाहिए और वो कहीं मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ होता है कुछ मिस कर जाते हैं, तो हम उसी को डील करेंगे। जैसा आज हम लोग जो है अभी हमने डिसाइड किया है कि कुछ लेक्चर जो है हम एलजेब्रा के लेंगे। अब एलजेब्रा में एक एलजेब्रा जो होता है ये JEE का लगभग 40% सिलेबस कवर करता है, ओके। और इस कारण से इसके बेसिक का पूरा नॉलेज होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स पढ़ने हैं हमें, जैसे कि लॉगरिथम है, इनइक्वालिटी है, मॉडुलस फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इरेशनल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की जितने इक्वेशन हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इन सब चीजों को पढ़ने के लिए एकदम बेसिक से। हमारा तरीका, हमारा जो मेथड रहेगा टीचिंग का वो भी यही रहेगा कि हम लोग जो है जीरो से स्टार्ट करके एक हार्ड लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। सो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में किस किस तरह से चेंज हुआ है हम ये सब देखेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि अपने पास में केवल नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर सब जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स, ओके। केवल मानकर चलिए आप कि अपने पास में केवल नेचुरल नंबर सी है। अब यदि हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देना चाहें x+3=3 तो क्या देंगे? x+3=3 का सॉल्यूशन ऑब्वियस x=0 होता है, 0 यहां पर नहीं है, तो इस कारण से 0 को इंक्लूड करके एक नया सिस्टम दिया, वो था होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब पहले नेचुरल नंबर था, उसके बाद आ गया होल नंबर्स। देन व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x+10=2? x+10=2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x=8 यानी निगेटिव नंबर्स यहां पर नहीं थे, तो इस कारण से फिर एक नया नंबर सिस्टम दिया, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को कुछ राइटर i से लिखते हैं और कुछ z से। सो इंटीजर्स क्या होंगे? इसमें निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में यदि ये इक्वेशन मिले 2x=3 या -4x
इक्वल 5 इस टाइप के, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 3/2, इसका सोल्यूशन -5/4। ये इक्वेशन है 2x = 8, देन x = 4 या 4/1। तो इस टाइप की इक्वेशन के जो सोल्यूशन थे जिसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर है उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, p/q फॉर्म के नंबर होंगे, न्यूमेरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। इसमें p जो है ये एक इंटीजर रहेगा, p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, बट q जो है नॉन जीरो है, क्योंकि यदि जीरो डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता। सो ये हो गया रेशनल नंबर, p/q फॉर्म वाले जो नंबर होंगे उसे कहेंगे हम रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को हम एक दूसरे तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम। रेशनल नंबर जैसे आप जानते हैं किस टाइप के नंबर होते हैं, कोसेंट फॉर्म वाले, p/q फॉर्म वाले, जिसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होते हैं। इसको दूसरे तरीके से बताया था, अभी हम समझ रहे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जैसा यदि हम लिखे 781/100, 781/100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 7.81 डेसिमल सिस्टम में। 781/100 7.81, इधर से स्टार्ट करके राइट से स्टार्ट करके दो जीरो है तो दो डिजिट्स के पहले हम डेसिमल का यूज करेंगे। यदि 812/10 हो, अभी एक जीरो है यहां पर, तो उसे लिखेंगे हम 81.2। ऑब्वियस यदि 10, 100, 1000 यदि इससे डिवाइड किया जाए तो हम आसानी से किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डिजिट्स या नंबर्स। यदि डिनोमिनेटर में 5 या 2, जैसे 13/5, तो इसको आसानी से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, (2, 5)/2, यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमेरेटर में हो गया 26 और डिनोमिनेटर में आ गया 10, एंड 26/10 2.6। मतलब यदि 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यदि 2 रहता है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। जितना 2 की पावर होंगी उतना ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 5/8, यहां पर 2 की पावर कितनी है 3, यहां पर है 2/3, तो 2/3 है, इसका मतलब हम इसको 5/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जितनी 2 की पावर होंगी उतनी 5 की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 5/3 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5, और एक 5 और है, यदि इन सबको कैलकुलेट करें हम तो हमें मिलेगा 625, और ये 2 × 5 कितना हो गया 10, और 10 की पावर 3 है, यानी ये हो गया 1000।
सो इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं हम, 0.625। इस टाइप की डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसा अभी आपको क्लियर दिख रहा है 7.981, 7.81 को हम ऐसा लिख सकते हैं 781/100। इसका मतलब क्या हुआ, ये P अपॉन Q फॉर्म है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ जितने भी नंबर हमने अभी देखे हैं ये सब के सब कैसे हैं, रैशनल नंबर। इन सभी रैशनल नंबर में जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का यूज किया हुआ है, डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो फाइनाइट है। नॉन टर्मिनेटिंग यदि एंड में टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, मतलब डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट नंबर है, डेसिमल के बाद में यदि इनफाइनाइट नंबर है तो उसको आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिपीटेड और दूसरा नॉन रिपीटेड। रिपीटेड नंबर डेसिमल के बाद में और दूसरा नॉन रिपीटेड, रेकरेंस और नॉन रेकरेंस कहा जाता है इसको। जैसे एग्जांपल देखें 3.717171, यहां पर डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट नंबर है बट सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं 717171 ऐसा। दूसरा एग्जांपल 1.412739487 0, इस टाइप से। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रेफरेंस नंबर है ये 3.71 बार, ये बार लिखते हैं या कुछ राइटर डॉट लगाते हैं 7.1 डॉट। ये नंबर जो होते हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं, ऐसा 3.71 बार ये रेशनल नंबर है। यदि नंबर्स का डेसिमल में रिपीटिशन हो तो वो नंबर भी रेशनल नंबर होता है। सो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं यदि डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखे तो, यदि डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो यानी फाइनाइट नंबर हो तो वो रेशनल नंबर होता है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर हो बट रिपीटेड हो तो वो भी रेशनल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद में यदि रिपीट नहीं हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर। मीन्स हमने यहां जो नंबर लिखा है ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल, जिसमें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर हो, नॉन रेकरिंग हो। ये डेसिमल के बाद यदि रिपीटिशन होता है तो वो नंबर रेशनल होता है। ये रेशनल क्यों होता है इसको हम देखेंगे। देखते हैं ये नंबर रेशनल क्यों है, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3.717171, ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, इसमें बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट इज 371। 100 से मल्टीप्लाई किया अब कितना आएगा, ये यहां पर आ गया, उसके बाद फिर क्या बच रहा है 717171, इनफाइनाइट नंबर है अपने पास। यदि इसको माइनस किया जाए, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो 100x - x यानी 99x। ये डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है सब सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 371 - 3 कितना होता है 368। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 368 / 99।
9। मतलब इस नंबर को हमने किस तरह से लिखा है, इस फॉर्म में, P बाय क्यू फॉर्म में, यानी ये एक रेशनल नंबर है। अभी हम नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और आगे डिटेल पढ़ेंगे, इसमें कुछ अलग टाइप के सम्स भी आते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो है केवल रेशनल नंबर क्या होता है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं।